बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, संदेश की ये धरती संदेश ही मांग रही है और मेरे साथ यहाँ सबसे पहले तो आभार और धन्यवाद की सुबह से आप लोग यहाँ डटे हुए हैं। हम लोग देरी से आए उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों के बीच में आना था और ये तय हो चुका है कि अब आपके बीच में रहना भी है, आपकी जो लड़ाई है उस लड़ाई को मजबूती से लड़ना भी है, तो इस बार पीडीए जो गठबंधन है वो गठबंधन सिर्फ वोट का गठबंधन नहीं है, वो रिश्तों का गठबंधन है। वो रिश्ते जो चुनाव के बाद भी रहेंगे, वो रिश्ते जो यहाँ आपके दुख सुख में खड़े रहेंगे, क्योंकि आगे भी प्रोग्राम है तो परम पूजनीय विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, माननीय काशीराम साहब को नमन करते हुए, यहाँ बिहार में जन्मे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवा, जननायक कपूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण साहब और तमाम जितनी महान विभूतियां, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है। मैं सिर्फ आपको यहाँ इतना बताने के लिए आया हूँ कि मैंने जो हमारे पीडीए के नेता हैं आदरणीय पप्पू यादव जी, मैंने उनसे एक ही बात पर सहमति की, क्योंकि मैंने देखा इलेक्शन तो खत्म हो जाता है लेकिन हमारे लोगों की परेशानियां खत्म नहीं होती, जुट जाती खत्म नहीं होती। मैंने इनसे कहा कि अगर आप भी हमारे लोगों की लड़ाई में नहीं खड़े होंगे, उनको सुरक्षा नहीं देंगे, उनकी हक की बात को नहीं करेंगे, तो मैं आपसे भी कल कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। मेरी एक ही लड़ाई है कि सबसे पहले मुझे अपने लोगों की सुरक्षा चाहिए, उनके हक अधिकार चाहिए और उनकी जो समस्याएं हैं यहाँ, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बिहार में जनता मालिक नहीं है, बिहार में तो माफिया मालिक है। वो जो लोग आपसे वोट लेते हैं वही कल आपके आपकी हत्याएं करते हैं, आपकी बहन बच्चों को अपमानित करते हैं और तरह तरह के जो है माफियागिरी की राजनीति में हमारे लोगों को धोखे से ठगने का काम करते हैं। आपने 30 साल की सरकार देखी, मैं 15 साल में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस 30 साल की सरकार में मेरे लोगों के तन पे कपड़े भी ढंग से नहीं आए हैं, वो सभा में दिख रहे हैं, लेकिन मैं वारंटी देता हूं कि जो प्रतिज्ञा पत्र हमारे पीडीए के जो चेहरे हैं, मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं, जो पीडीए ने बनाया, जिसमें 30 साल बनाम 3 महीने का घोषणा पत्र है, 3 साल का घोषणा पत्र है, जिसमें आपके दुख दर्द दूर किए जाएंगे और जो तमाम तरह की मुसीबतें बिहार में है, चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो, चाहे वो प्लान का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, उन मुद्दों पे कोई समझौता किसी भी हालत में नहीं होगा, किसी को गुंडागर्दी करने के लिए बिहार में नहीं दिया जाएगा। ये तय करके हम लोग बिहार में आए और इसलिए मैंने पप्पू भाई कहा कि मैंने इनका काम देखा, ये बाढ़ में भी आपके बीच में रहते हैं, कोरोना के समय में भी आपके बीच में रहते हैं, ये पलायन में भी आपके बीच में रहते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में गरीबों के लिए दर्द, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पीडीए के 2 प्रत्याशी हैं, एक इस संदेश विधानसभा पे डॉक्टर बब्बन सिंह, बब्बन यादव, और दूसरे हैं आरा में डॉक्टर ब्रजेश सिंह। ये आप वोट आप इस बार ना बब्बन सिंह को दे रहे हैं ना ब्रजेश सिंह को दे रहे हैं, आप ये वोट जो है वो चंद्रशेखर आजाद को दे रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद को आप जानते हैं जो बात कही जाती है उससे खड़ा उतर जाता है। वोट आपने उससे पहले भी दिया, ये जो नौजवान यहां खड़े याद रखना, वोट 2-धारी तलवार है, अगर सही जगह यूज होगी तो आपका भला होगा और अगर गलत जगह यूज होगी तो वही वोट लेने वाले लोग कल आप पे अत्याचार करेंगे, बिहार में अत्याचार का अंत होगा। और ये जो जालिम सरकार के लोग बैठे जो कह रहे हैं कि बदल देंगे, इन्हीं के हाथ में ताकत थी। आप ये बताइए, क्या है सभी को मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीबों के बच्चों को मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीबों की लड़ाई लड़ने वालों को मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो आपका रोजगार, आपकी शिक्षा, आपकी सुरक्षा और आपकी रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी जो है वो पीडीए की है, लेकिन बिहार को मजबूत भारत बनाना और बिहार को सशक्त भारत बनाना है और बिहार को दुनिया के नक्शे पे A1 दर्जे पे लेके जाना है, इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ आए हैं।
मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।